आज पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिलेंगे। सीएम योगी, सूत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा की रणनीति पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार और बीजेपी के बड़े चेहरों से मुलाकात के दौरान सरकार और संगठन के फेरबदल पर भी हो सकती है चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हो सकती है बात। दिल्ली में आज तैयार होगा यूपी विजय का प्लान। बीजेपी के तीन सूरमा मिलकर बनाएंगे मिशन 300 प्लस की पूरी रणनीति। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। मुलाकात को सीएम योगी ने बताया शिष्टाचार भेंट। ट्वीट कर जताया गृह मंत्री अमित शाह का आभार। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद ने दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सांसद सत्यपाल सिंह भी रहे मौजूद। अमित शाह से निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भी की मुलाकात। संत कबीर नगर से सांसद प्रवीण निषाद भी गृह मंत्री से मिले। बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां को लेकर जी हिंदुस्तान पर बड़ा खुलासा। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट गैंगरेप मामले में आरोपी से जुड़ा नुसरत जहां का नाम। नुसरत जहां पर गैंगरेप के आरोपी कादिर खान को पनाह देने का आरोप। मुंबई के होटल में कादिर के लिए नुसरत ने बुक किया था कमरा। निखिल जैन से पहले पार्क स्ट्रीट गैंगरेप के आरोपी कादिर खान से प्यार करती थी नुसरत जहां। निकाह होते होते रह गया। 2012 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में एक एंग्लो इंडियन महिला के साथ हुआ था गैंगरेप। इसमें कादिर खान समेत 5 लोगों को बनाया गया था आरोपी। जब पुलिसिया जांच की आंच नुसरत जहां तक पहुंची दोनों ने झूठ बोला कि वो रेप कांड के बाद कभी कादिर खान से नहीं मिली। गैंगरेप के आरोपी कादिर खान की तलाश में पुलिस जब खाक छान रही थी तो नुसरत और कादिर मुंबई में साथ थे। जहां पर 4 साल तक गैंगरेप के आरोपी कादिर के राज को छुपाए रखने का आरोप। 2016 में कादिर खान की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर नुसरत जहां का नाम सामने आया लेकिन कोलकाता पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2012 में बंगाल में भी उस वक्त ममता की सरकार थी जबकि नुसरत एक बड़ी स्टार थी। गैंगरेप पीड़ित महिला की मौत के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। टीएमसी सांसद नुसरत जहां और निखिल जैन की कंट्रोवर्सी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दोनों ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं गंभीर आरोप। निखिल ने शादीशुदा जिंदगी में खटास आने की कई वजह गिनाई। उन्होंने नुसरत और यशदास गुप्ता के अफेयर की ओर इशारा किया। निखिल जैन के मुताबिक अगस्त 2020 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके तेवर बदलने लगे। यशदास गुप्ता संग ही नुसरत जहां की ये फिल्म रिलीज हुई थी। नुसरत और यश दोनों को ही फिल्म के प्रमोशन में काफी व्यस्त भी देखा गया था। दोनों की साथ में कई तस्वीरें भी सामने आई। यहां तक कि नुसरत जहां ने भी यशदास गुप्ता संग एक सिजलिंग फोटोशूट करवाया था जिसमें दोनों के बीच की नजदीकियां बखूबी देखी जा सकती थी। उद्धव की मुलाकात के बाद संजय राउत ने पढ़े पीएम मोदी के कसीदे। संजय राउत ने पीएम मोदी को देश का सबसे बड़ा नेता बताया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान। कहा महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार पूरी करेगी अपना कार्यकाल। शिवसेना पर पूरा विश्वास है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान। कहा गरीबी कम करना है तो जनसंख्या कंट्रोल करे। मुस्लिम परिवार नियोजन अपनाने की अपील। मुसलमानों की जनसंख्या नियंत्रण वाले असम के सीएम हेमंत सरमा के बयान पर ओवैसी ने किया पलटवार। कहा ये हिंदुत्व बोल रहा है जो गरीब और शोषित लोगों पर आरोप लगा रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। भेंट किया बालाजी का स्मृति चिन्ह। कुलभूषण जाधव मामले में भारत की एक और जीत। कुलभूषण जाधव अब सजा के खिलाफ कर सकेगा अपील। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बिल पास। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने 2017 में सुनाई थी मौत की सजा। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी पर जासूसी और आतंकवाद का आरोप। पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का किया था रुख। पाकिस्तान की ओर से राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने और मौत की सजा को दी थी चुनौती। दिल्ली में गाड़ियों की स्पीड लिमिट के नए नियम। कार बाइक और बस की स्पीड लिमिट हुई है तय। केंद्र सरकार ने स्पीड लिमिट के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। लोगों को मिली गर्मी से राहत। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। आज पेट्रोल पंपों के बाहर करेगी सांकेतिक प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लगी भीषण आग। दूरबाग इलाके में लगी भीषण आग जिसमें कई घर जलकर खाक हो चुके हैं। करनाल में हनीप्रीत के पति और ससुर रह चुके गुप्ता परिवार को जान से मारने की धमकी। कहा राम रहीम और हनीप्रीत हमें मरवाना चाहते हैं। पंजाब कांग्रेस में कलह दूर करने के लिए कमेटी ने सौंपी सोनिया गांधी को रिपोर्ट। 3 सदस्यीय कमेटी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू और विधायकों से की थी बात। पंजाब में नहीं जाएगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री बदलने की बात नहीं।
पंजाब कांग्रेस कमेटी ने दी सिद्धू की नाराजगी दूर करने की सलाह। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की सलाह दी गई। गुजरात धीरे धीरे हो रहा अनलॉक, दुकान मॉल्स और फैक्ट्रियां शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। गुजरात के वडोदरा में शराब कारोबारी के बेटे की बर्थडे पार्टी में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, बेटे से तलवार से केक कटवाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, बीते 24 घंटे में 12,207 नए मामले सामने आए तो वहीं 393 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 655 नए केस आए सामने, वहीं 22 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षा हुई रद्द, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 305 लोग हुए कोरोना से संक्रमित, वहीं 44 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 642 नए मामले सामने आए, 82 मरीजों की हुई है मौत, लखनऊ में 24 घंटे के अंदर एक ही मौत। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर कोरोना महामारी का साया, सेवकों के साथ निकलेगी रथ यात्रा, श्रद्धालुओं के शामिल होने पर लगी रोक। उप विधानसभा के पास बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, विधानसभा में पुलिस अधिकारियों की मीटिंग, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के बागपत में किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, खेत में कूड़ा डालने के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के महाराजगंज में मौजूदा ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों के बीच झड़प, दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे, करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शिखर धवन को बनाया गया कप्तान, कई युवा खिलाड़ियों को मिला मौका। यामी ने मां अंजलि की 33 साल पुरानी सिल्क की साड़ी पहनकर लिए फेरे, नानी की दी हुई चुनरी से कंप्लीट किया लुक। आज रिलीज हो रही है फिल्म न्याय दी जस्टिस, सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज।